हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना खाली पेट गर्म पानी पी रही हूँ और उसके बाद से करीब 8 बजने वाला है, 15 मिनट कम है 8 बजने में। और मैं यहाँ पे भीगा हुआ अपना बादाम जी और अंजीर वगैरह जो खाती हूँ वो खा लिया है मैंने। आज पूरा टी शर्ट गीला हो गया है। 10:45 से 11:45 हो रहा है, सॉरी 11:15 हो रहा है। 10:45 हो रहा था, 11:15 हो रहा है। 15 इधर 15 उधर। कंटिन्यू आधे घंटे रनिंग की हूँ। और टी शर्ट देखो, आज इतना गीला किसी दिन नहीं हुआ था। पूरा पीछे कैसे दिखाऊँ, ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब सूखा कपड़ा दिख रहा है, बाकी सारा गीला हो रखा है। कितने स्टेप्स किए मैंने पता है? 3,500। मतलब यार कुछ भी हो सकता है। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। जैसे लग रहा है मैं नहा ली हूँ ना। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके वैसे कुछ देर ऐसे ऐसे करी हूँ, और कुछ बार मतलब हाईनेस और ऊपर नी को करके, घुटने को और ऊपर करके जंप किया। 300-400 बार तो ऐसे ऐसे एक जगह पे रनी, बाकी कंटिन्यू ऐसे ऐसे वाला। 3,500। 10:45 हो रहा था, 11:15 पे मैं रुकी हूँ नॉन स्टॉप। बाप रे बाप, अब इसमें भी चर्बी ना गले तो मेरा कसूर नहीं है। भगवान मेरे साथ ना इंसाफी कर रहा है। सोचो मैं एकदम जिद पे आ गई यार, कि मतलब सूख जाऊं, ऐसा हो रहा है कि एकदम सूख जाऊं, बट हो नहीं रहा है। रोना आता है कभी कभी, होता है बहुत। मतलब इतना मेहनत करो फिर भी पता नहीं कहाँ जा रहा है। बट शायद अब जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने आज तक नहीं करी है जितना मैं कर रही हूँ। ठीक है, देखो पूरा गीला हो रखा है एकदम। अभी निचोड़ दो तो पानी चू जाएगा इसमें से, इतना गीला हो रखा है। ये देखो हाथ गीले हो जा रहे हैं बिल्कुल। ये सब देखो, जैसे लग रहा है हाथ धुली हुई हूँ ना। ये देखो इधर, ये कहुने से ना पानी नीचे चू रहा था, अभी इधर तो दिखेगा नहीं, सूख गया है। ये देखिए अभी दिखाओ, लग रहा है क्योंकि मैं इस पर करी हूँ, इस पर भी चूहा है, और इधर अगर दिख रहा हो तो फर्श पे चू रहा था पानी कहुनी से। ओ माय गॉड, तो मोटिवेट होते हो कि नहीं आप लोग? एक जुड़ी है न्यू फ्रेंड पाकिस्तान से, तो वो कह रही है कि वीडियो देख करके मोटिवेशन मिला। उनका कमेंट बहुत अच्छा था, एक मिनट मैं पढ़ के बताती हूँ क्या कमेंट था। आईडी जो है लेडी बक करके है, और वो पाकिस्तान से हैं, और वो न्यू है। मतलब उनका कहना कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, आप देख लेना, कि मैं आज ही आपकी वीडियो देखी हूँ, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत थी जो कि आपकी वीडियो से मिली है। और 73 उनका वेट है और 65 उनका गोल है, मतलब 65 वो वेट अपना करना चाहती हैं, तो मेरी वीडियो उनको अच्छी लगी है, मोटिवेट हुई है, तो थैंक यू डियर। ये मोटिवेशन ही है। अब इससे भी आलसी लोग, जो एक एक लोग आलसी होते हैं, आप लोग नहीं हो, मतलब जो लोग भी आप लोग वेट लॉस की जर्नी में हो और मेरे साथ कंटिन्यू काफ़ी टाइम से हो, आप लोग नहीं हो आलसी, लेकिन कुछ लेडीज़ होती हैं आलसी, कहती हैं कि शादी हो गया, बच्चे हो गए, क्या करना है वेट करके, वेट कम करके। ऐसा नहीं है बाबा, वेट कम नहीं करोगे तो बहुत सारी बीमारी लग जाएगी आपको, फिर प्रॉब्लम किससे होगा? आपको होगा और आपको देखने वालों को होगा, जैसे कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, घर में और भी लोग हैं, लॉ वगैरह, तो वो भी देखेंगे, तो वो करेंगे कि मतलब परेशान हो आप, क्योंकि जब वेट ज़्यादा होता है तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेरती है। बहुत सारी जब बीमारी घेरेगी तो हम तकलीफ़ में रहेंगे, दवाइयां खाएंगे, हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हम ये काम नहीं कर पा रहे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना, बहुत ज़रूरी है अपने आप। जब आप फिट रहोगे तभी खुश रहोगे, जब आप खुश रहोगे तो घर में खुशियाँ रहेंगी। नहीं तो एक सोचो आप, अगर एक पेशेंट घर में रहता है तो सारे लोगों का माइंड वहीं पर जाता है कि एक पेशेंट है वो और कितना परेशान है, आपका दिमाग बार बार वहीं जाता है, तो आप कहीं ना कहीं अनहैप्पी होते हो, है ना। तो खुश रहना है तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा हो गया ना कि मैं कंटिन्यू करते रहूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है, पता मैं थक नहीं रही हूँ, ऐसा हो रहा कि बस कंटिन्यू करते रहो,
तो कर लेते हैं थोड़ी देर और। 1 घंटे से ऊपर का मेरा एक्सरसाइज हो गया है और आधा घंटा मैंने वो सब किया, कार्डियो वगैरह, आधा घंटा ये हो गया, तो थोड़ा 10-15 मिनट और कर लेते हैं और आप सबसे बातें भी कर लेते हैं, है ना। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, फिट रखिए, और ये भी तो है ना, आपकी कितनी भी एज हो जाएगी आप यंग ही दिखोगे, है ना। यंग कैसे दिखोगे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी में टाइटनेस रहता है, और जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो सारी हेल्दी चीज़ें खाते हैं, अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जंक फूड वगैरह, है ना। तो जब हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि जो मैं खाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह हो गया, दाल वगैरह हो गया, प्रोटीन्स वगैरह लेती हूँ, दाल दाल के रूप में, है ना, वो प्रोटीन नहीं, पाउडर वाला प्रोटीन नहीं, वर्जिनल वाला। तो ये सब चीज़ें खाने से स्किन ग्लो करती है, हमारी स्किन हेल्दी रहती है, हमारे बाल अच्छे रहते हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, हमारा सब कुछ अच्छा रहता है। पता है, जब हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारी स्किन ग्लो करती रहती है, हमारे स्किन में टाइटनेस होती है, हमारे बाल झड़ेंगे नहीं, पकेंगे नहीं, स्वस्थ रहेंगे। पता है, पहले मेरा बरसात में इतने हेयर फॉल होते थे, मतलब साल में 1 से 2 बार होता ही था, बट जब से मैं वेट लॉस की जर्नी में आई हूँ ना, मेरे हेयर फॉल नहीं होते हैं। वीकनेस की वजह से भी बाल झड़ते हैं। अगर आप में आपके शरीर में कमी है, आप सही से खा पी नहीं रहे हो, आपके शरीर को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इससे भी आपका हेयर फॉल होगा, बाल पकेंगे, ठीक है, शरीर में वीकनेस आएगी, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ेंगी, स्किन की ग्लो ख़त्म होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो पैसा है आप जंक फूड पे इन्वेस्ट करते हो, जैसे पिज्ज़ा का आप रख लो, अगर बड़ा वाला पिज्ज़ा 500-600 का आराम से आता है, ठीक है, इतना बड़ा, पता नहीं कितने कितने, मुझे तो प्राइस नहीं याद है, बहुत टाइम हो गया खाए मुझे, अभी का क्या है मुझे नहीं पता। अगर मान लो 500 में एक पिज्ज़ा खरीद रहे हो, 500 में आपको 5 किलो एप्पल मिलेगा, अब वो 5 किलो एप्पल आप कितने दिन खाओगे, सोचो। मतलब 5 किलो एप्पल अगर एक महीने से ज़्यादा ही आई थिंक चलेगा, एक एप्पल आप रोज खाओ, और 1 किलो में कितने एप्पल चढ़ते हैं, आप खुद काउंट करो और इस चीज़ को सोचो। तो जितना पैसा आप अपने जंक फूड पे लगाते हो, जितना पैसा आप कहीं घूमने गए फालतू का वहाँ लगा दिए, सब चीज़ ज़रूरी है पर लिमिटेड। मैं ये नहीं बोल रही आपको रोक नहीं रही कि जंक फूड मत खाओ, आपको रोक नहीं रही कि आप घूमने मत जाओ, आपको रोक नहीं रही कि शॉपिंग मत करो, लेकिन कोई लोग अनायास करते हैं, बॉडी पर ध्यान नहीं देते। मैं देखती हूँ बाहर जाती हूँ तो ऐसी ऐसी लड़कियाँ आजकल की, मतलब लड़कियाँ यार इतनी मोटी मोटी, पूछो ना, मतलब कपड़े ब्रांडेड, घूमना पहनना, यहाँ वहाँ जाना, हर चीज़ सब उस पे पैसे खर्च कर रही हैं, अपनी बॉडी पे नहीं ध्यान दे रही हैं, अपनी सुंदरता पे नहीं ध्यान दे रही हैं। यार सुंदर नहीं रहोगे ना, ऐसे मोटे हो जाओगे ना, तो कोई लड़का पूछने वाला नहीं होगा, इतना याद रखना, ठीक है। एक हम लोग का टाइम था, मतलब सब चीज़ घर ही पे खाना खाते थे, भरपेट खाते थे, हालांकि घर ही का खाना होता था, उतना उस टाइम पे जंक फूड वगैरह नहीं मिलता था, और ना ही इतने पैसे होते थे कि खाया जाए। कभी मेला हो गया या फिर ये त्यौहार वगैरह हो गया तभी पकवान बनता था, और मेले वेले में हम लोग जाते तभी हम लोग जंक फूड खाते थे, है कि नहीं, सही बात बोल रही ना, बहुत रेयरली खाने पीने को मिलता था। घर का खाना खाते थे हम लोग, मोटे होते थे नहीं ना, जम के काम करते थे पहले के टाइम में। आज हर चीज़ के लिए मशीन काम वाली हो गई, और मसाला पीसने के लिए मशीन, आटा गूंथने के लिए मशीन, हर चीज़ करने के लिए मशीन, और दूसरे लोग से हम लोग काम करवा रहे हैं। तो यही वजह है कि, और खाना भाई वो टाइम चेंज हो गया है, इंसान पैसे कमा रहा है तो खाने पे इन्वेस्ट कर रहा है, खूब खा रहा है, काम एक भी नहीं है मेहनत का, इसलिए बॉडी फूल रही है। तो चलो ठीक है, पैसा कमा रहे हो अपने आराम के लिए, तो काम नहीं करो तो अपने शरीर को 1 घंटा तो दो एक्सरसाइज में, वर्कआउट में, एक्सरसाइज में, फिर खाओ जम के, खूब खाओ, और 1 घंटे रनिंग करो, कभी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा और समझा है। मैं 2-3 साल से हूँ, 3 साल नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए लगभग मुझे वेट लॉस की जर्नी में, लो की थी मैं 106 किलो की थी, मैं आज 65 किलो की। तो मैंने देखा है इस चीज़ को
कि अगर मेरा वेट मान लो अभी इधर आ करके वेट स्टक हो गया और स्लोली वेट कम हो रहा है, तो कम से कम बढ़ा तो नहीं ना, बढ़ नहीं रहा है मेरा वेट। मैं मेहनत कर रही हूँ, मतलब खा भी रही हूँ और मेहनत भी कर रही हूँ, बीच में मैं छोड़ देती हूँ सब कुछ करना, तो खाती पीती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ वेट लॉस जर्नी में। तो मतलब इससे ये हो रहा है कि हम फिट हैं, फिट रख रहे हैं, और उससे ज़्यादा मेरा वेट बढ़ नहीं रहा है। बढ़ने नहीं देना है वेट को, ठीक है। कभी आप थोड़ा सा खाने पीने का मूड है तो थोड़ा सा अवॉइड करो, एक्सरसाइज मतलब करो, उसको तो रोज़ ही करना है। जंक फूड वंक फूड खाने का मन कर रहा, फिर घर का पकवान ही खाने का मन कर रहा है, खाओ पियो 10-15 दिन, फिर आपको खुद ही आपको होगा कि अरे चलो अब खा लिया, बहुत हो गया, चलो अब रूटीन में आते हैं, ठीक है। तो फिर से आप सारा यही कुछ फॉलो करने लगोगे आप। तो ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, इंजॉय भी करो, खाओ पियो भी, अपने लिए 1 घंटा ज़रूर दो डेली। अभी देखो काउंट किया कितने कर लिया, 450 और हो गया होगा। तो ये है, मेरी बातों से एनर्जी आई कि नहीं और ये चीज़ देख करके कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो, वीडियो 9 मिनट की हो गई है, इसमें क्या मैं एडिट करूँगी, क्या काटूँगी, क्या करूँगी, चलो वो कार्डियो वाला वर्कआउट में काट दूँगी, इसको रखूँगी क्योंकि ये मोटिवेशन है, इससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, ठीक है। चलो मैं फिर से नहा ली हूँ बहुत सारा, ये देखो पूरा टी शर्ट गीला हो रखा है। चलो, तो इसके पहले मैंने कार्डियो किया था करीब आधे घंटे से ऊपर ही, और अभी देखो कितना हो गया, 11:15 का मैंने दिखाया था ना, अभी 30 हो गया, तो 15 मिनट मैंने और रनिंग कर लिया, सोचो, यानी कि 4000 कंप्लीट हो गया होगा स्टेप्स। पिंक वाइट इतना फ्लस मार रहा है बाप रे, फेस पे जितने गोरे हैं नहीं उतना गोरा दिखा रहा हम गोरे वोरे नहीं है भाई, सांवले से हैं। ये तो थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल आजकल का है, थोड़ा फिल्टर विल्टर लगा देता है तो थोड़े से कुछ ज़्यादा ही गोरे दिखने लगते हैं, बट पक्के कलर पे हैं हम। और 12:30 हो रहा है और अभी तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तो मैं बता दूँ क्यों नहीं है। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी हुए थे वो सब खाए, उसके बाद से मैंने पानी वानी पिया ही है, और ये मैं 2.5 लीटर पानी कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद से मेरे अपना एक सब्जी वाला प्लाट है ना, तो उसमें केले लगे हुए हैं, ठीक, तो वो केले पेड़ में ही पक गए हैं, तो आज हस्बैंड गए हुए थे वहाँ पर, हस्बैंड और ससुर जी दोनों जी गए थे, तो केले को लेकर के आए हैं, तो केला उसमें आधा पका हुआ आधा कच्चा है, तो बहुत सारा पका हुआ। घर का केला कितना ही मीठा, कितना मीठा होता है पता है ना, तो मैंने 2 केले खा लिए, ठीक है, तो 2 केले खा लिए, तो पेट मेरा गया है बिल्कुल भर, और मुझे नहीं लगता है कि मैं लंच कर पाऊँगी, तो मैं सो जाऊँगी दोपहर में, और उसके बाद से फिर देखते हैं, सो करके उठूँगी तो शायद भूख लगेगा, और जैसे भूख लगेगा फिर क्या खाऊँगी क्या नहीं फिर दिखाऊँगी मैं। बाल गीले हो जाते हैं वर्कआउट कर करके, ये सारा भीग रखा है, तो इसलिए मैं खोल देती हूँ कि सूख जाए, क्योंकि बालों को सूखना ज़रूरी है, लॉन्ग टाइम तक गीला नहीं रहना चाहिए। 2 बज रहा है और मुझे भूख लग गई थी, मुझे लगा नहीं लगेगा बट लग गई, तो 1 गिलास भर के दाल मैंने लिया था, इसको मैं पी लूंगी, और इसके पहले मैंने 1 मुट्ठी चना खाया था। तो जो छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो स्नैक्स के तौर पे भुना हुआ चना रखा करें, मूंगफली मिक्स करके रखेंगे और भी स्वाद आएगा, अच्छा लगेगा, वो खा लिया करें। एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ना आपके बॉडी का 70% हिस्सा वाटर से ही रखता है, ताकि आप ताकि आप डिहाइड्रेट मत हो, और वाटर ना हेल्प करता है जैसे आप खाना करते हो, तो इसलिए पानी बहुत पीना चाहिए। खाना खाते हो आप उसके बाद वो ना जब भी आपको टॉयलेट फिनिश हो गया, जब भी आपको टॉयलेट करनी होती है तो फिर ना पानी की हेल्प से वो टॉयलेट बाहर निकलता है, तो वाटर की मदद से, और शरीर की टॉक्सिन्स भी निकलते हैं यूरिन की तरफ से, जितनी गंदगी होती है जितना आप पानी पियोगे उतनी आपकी बॉडी जो है फिल्टर करेगी, किडनी फिल्टर करती है ना, और जो तो उतनी बॉडी आपका फिल्टर होगा, आपकी बॉडी साफ होगी, गंदगी निकलेगी पानी के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा पानी पीना चाहिए। मम्मा 4 लीटर पानी पीती है, आप भी पिया करो, बहुत सारा पानी, नहीं पर मैं
चार लीटर नहीं पी पाऊंगी। हाँ आप 2 लीटर पी लिया करो, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिना ध्यान दिए कुछ नहीं आप खा पी पाओगे, तो पूरा फुल कंसंट्रेट होना चाहिए। चलो जी ठीक है, मिलते हैं अब थोड़ी देर में, ठीक है शाम तक मिलेंगे। अब बादल इतना ज़्यादा घिरा हुआ है इसीलिए कोई पार्क में आया नहीं है, मैं अपना फटाक से करके निकलूँगी बारिश ना होने पर, बस टहल लूँ जब तक टहलना है, टाइमिंग अपना 50 मिनट का बस मौका मिल जाए। सो फ्रेंड्स, तो मैं टहल के आ गई थी और उसके बाद से आकर के मेरा और जो रूटीन था वो सब मैंने नोट कर लिया है, और उसके बाद से बुक में मैंने पढ़ा, यदि अपने विचारों को पहचाना जाए तो उन्हें वश में कर सकते हैं। बाकी मैं शेयर कर दे रही हूँ वीडियो स्टॉप करके, ये आप लोग पढ़ लिया करो, नॉलेज की चीज़ है ये। तो 7:35 हो रहा है और मैंने अपना डिनर में लिया है ओट्स स्मूदी, और इसमें मैंने केला डाला है, वही जो मेरे अपने घर का केला है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोटा नहीं है, मीडियम साइज़ का था, मीडियम से भी कम ही था, नहीं तो ऐसे में बड़ा अगर रहता है केला तो मैं आधा केला डालती हूँ, तो वो एक केला डाल दिया है, एक छोटा सा एप्पल डाला है और एक छोटा सा नाशपाती डाला है और बादाम डाला है और कुछ दाने किशमिश के मिठास के लिए डाला है और वो नारियल का बूरा, 1 चम्मच नारियल का बूरा डाला है, उससे मैंने ये तैयार किया है स्टेक, बहुत ही हेल्दी आप देख सकते हैं। करीब 2 चम्मच ओट्स डाला था, आधा ग्लास दूध आधा ग्लास पानी से बनाया है, तो ये हो गया मेरा रात का डिनर। तो चलो आज की वीडियो भी यहीं पे एंड कर देते हैं, इसको मैं फिनिश कर लेती हूँ और सारा रूटीन खत्म ही हो गया लगभग। हाँ थोड़ा सा मेरा पानी बचा हुआ है 1 लीटर, तो वो मैं रात में पी लूँगी, इसके पीने के 1.5-2 घंटे बाद मैं पानी पीना स्टार्ट करूँगी। तो आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, न्यू होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा, मिलते हैं कसर से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। जब इतना बोलती हूँ ना तो बाबू कहता है बाय, उसको पता है अब इसके बाद बोलेंगी मम्मा बाय। चलो बाय बाय, गुड नाइट।